डोकलाम विवाद को लेकर चीन और भूटान एक बार फिर आमने सामने होते दिख रहे हैं। खबरों के मुताबिक चीन ने एक बार फिर डोकलाम क्षेत्र में अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। चीन ने नई चाल के तहत भारत के क्षेत्रों की तरफ अपनी सक्रियता नहीं बढ़ाई है, लेकिन भूटान इस कदम से डरा हुआ है। अब ये बात भी सामने आ रही है कि चीन से कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखने वाले भूटान ने भारत में चीन के राजदूत से संपर्क साधा है। जानकारी के मुताबिक भूटान में भारत के राजदूत वेटसाप नमगिल ने गत दिनों नई दिल्ली में चीन के राजदूत लुओ झाओ हुई से मुलाकात की। चीनी दूतावास में हुई एक घंटे तक चली इस मीटिंग में भूटान ने अपनी चिंताएं स्पष्ट की। आपको बता दें कि डोकलाम क्षेत्र से अपने सैनिकों को हटाने की चीन और भारत की घोषणा के ठीक एक महीने बाद ये मीटिंग हुई है। नई दिल्ली और थिम्पू का इस मामले में स्पष्ट रुख है, डोकलाम भूटान का ही हिस्सा है, जबकि चीन इस क्षेत्र पर अपना दावा ठोकता रहा है। इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी कर कहा गया था कि डोकलाम फेस ऑफ साइट पर अभी कोई गतिविधि नहीं है। इसके बाद ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पिछले कुछ सप्ताह में चीन की डोकलाम क्षेत्र में गतिविधियां जारी हैं। साथ ही ये भी खबरें हैं कि चीनी सेना डोकलाम से 800 से 900 मीटर की दूरी तक मौजूद है। वहीं चीन स्टैंड ऑफ के क्षेत्र से 10 से 12 किलोमीटर तक रोड निर्माण का काम कर रहा है। टीम इंडिलिंक्स।